हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड के बारे में पूरा हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि जीनर डायोड होता क्या है, जीनर डायोड कैसे काम करता है, जीनर डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई जीनर डायोड सही है खराब, इसको अगर टेस्ट करना है तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जीनर डायोड होता क्या है। तो सिंपल सा अगर डायोड की बात करता हूँ तो ये मेरे पास सिंपल डायोड का सिंबल होता है, जिसमें क्या होता है, करंट जो होता है पी से एन साइड फ्लो करता है, मतलब पी साइड से एन साइड करंट फ्लो करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जिसको हम यूनि डायरेक्शन करंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं जीनर डायोड की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है कि करंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फ्लो करता ही करता है, लेकिन करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो करता है। वो कब फ्लो करता है, जब उसको एक पार्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तब वो क्या होता है कि हमारा जीनर डायोड में करंट फ्लो करने लगता है। तो जो वोल्टेज होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसपे जीनर डायोड हमारा ना रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगता है, मतलब करंट फ्लो करने लगती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो जीनर डायोड होता है उसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मेरे पास एक जीनर डायोड, ठीक है, यहाँ पे जीनर डायोड का एक सिंबल है, ठीक है, और ये डेटा इसका पार्ट नंबर दिया गया है डायोड का, और ये बेसिकली डेजिग्नेटर है। तो ये जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ऐसे हमको सिंबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि जब भी आप जीनर डायोड का यूज़ करते हो ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमें वोल्टेज आउटपुट जो होता है ना वो एक कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हमें मिलता है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलता है। अब वो कांस्टेंट वोल्टेज तभी मिलता है जब हमारा जो है ये जीनर डायोड ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इस जीनर डायोड के अगर आप देखोगे ना ब्रेक डाउन वोल्टेज, अगर मैं डेटा शीट में आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज दिखाता हूँ जीनर डायोड का, तो ये आपको देख सकते हो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 1N4733 है। तो इसका टिपिकल वोल्टेज आप देख सकते हो 5.1 वोल्ट इसका जो है ब्रेक डाउन है, और 4.845 इसका मिनिमम वोल्टेज है, और 5.355 इसका मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। तो ये मिनिमम वोल्टेज जो है ना 5.1 टिपिकल वोल्टेज 5.1 वोल्ट है, मतलब उतना वोल्टेज अगर आप रिवर्स में अप्लाई करोगे, यानी इस पॉइंट का अगर वोल्टेज 5.1 से ज़्यादा हो गया या 5.1 वोल्ट हो गया, तो ये हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब मतलब अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है, और जो हमने यहाँ पे पहले में रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे जो हम लोड लगाएंगे, हम इस लोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए ना, ये 5.1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो है ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा, अन्यथा ये ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो जीनर डायोड होता है ना, इसका एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इससे करंट आप जितना चाहे ले लो, लेकिन ये वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। ये वोल्टेज अगर ये 5.5 पे ब्रेकडाउन चला गया तो ये 5.5 ही वोल्टेज मेंटेन करेगा, यहाँ पे चाहे जितना भी वोल्टेज आ जाए पीछे से, ठीक है, ये इतना ही वोल्टेज मेंटेन करेगा, इसका ये इम्पोर्टेंट खासियत होता है। और करंट चाहे आप जितना भी बढ़ा के करंट यहाँ से पास करवा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा, इसका मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जहाँ पे आपको सर्किट समझाने में आसान होगा, कि उस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जीनर डायोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब क्या होता है कि हम अपने खेतों की जब सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो सिंचों की सिंचाई करते हैं, तो हमारा मान लो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, खेत में हमारे पानी जा रहा है, ठीक है। अब पानी तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उधर से अगर ज़्यादा फ्लो या प्रेशर बन गया तो ये जो हमारा पंप होता है ना, ये पंप खुल जाता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी पानी फ्लो करने लगता है। तो बेसिकली सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये हमारा एक जीनर डायोड की तरह काम कर रहा है, ये जो देख सकते हो ये जीनर डायोड की तरह हमारा ये काम कर रहा है। तो करंट अभी अभी जो पानी जो है बाहर को फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे भी उधर प्रेशर पड़ता है तो करंट उल्टा, मतलब पानी उल्टा भी फ्लो करने लगता है। तो यही बेसिकली सेम फंडा होता है जीनर डायोड के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइनोसाइडल वेव लगाया, ठीक है। अब जैसे 5 वोल्ट से ऊपर, जैसे मान लो ये 7 वोल्ट का सिग्नल है, अभी 5 वोल्ट पे अगर जैसे जाएगा तो ये हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकडाउन हो जाएगा मतलब ये 5 वोल्ट ही कॉन्स्टेंट आउटपुट पर मेंटेन करेगा, तो ये हमारा 5 वोल्ट पर क्लैंप हो जाएगा, ये 7 वोल्ट तक नहीं जाएगा, ठीक है।
तो यही एप्लीकेशन होता है ये जब हम जीना डायोड की बात करते हो। तो इसलिए इसका जो एप्लीकेशन वगैरह देखते हो आप, वोल्टेज स्पाइक वगैरह जब आती है तो इस जीना डायोड का यूज किया जाता है ताकि हमारा जो आगे का कोई कंपोनेंट है वो एक्चुअली खराब ना हो, मतलब एक प्रोटेक्शन की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, जीना डायोड को हम प्रोटेक्शन सर्किट की तरह यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जबकि जब भी आप एक जीना डायोड की बात करते हैं। ठीक है, इसके साथ आप, मैं इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंबल आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ सिंबल होता है। ठीक है, दूसरा ये चीज़ होता है, ये पी साइड होता है, इसका ये एन साइड होता है। अब जब भी ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो सिंबल टूट के मिलेगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये आपको ये 5 वोल्ट एक तरीके से बन जाएगा। तो जब भी ये ब्रेकडाउन जाएगा आप ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जीनर डायोड का जो एक पावर रेटिंग होता है, ठीक है, पावर रेटिंग, तो पावर रेटिंग से क्या होता है कि आप मैक्सिमम जो इसके थ्रू करंट फ्लो कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो चीज निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो पावर रेटिंग की बात करता हूं, तो मान लो 120 वॉट दिया है। ठीक है, अब यहां से अगर वीजेड आईजेड अगर मल्टीप्लाई करते हैं बराबर 120 वॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वी जेड है ब्रेकडाउन वोल्टेज 5.1 वोल्ट है और आई जेड हो गया, तो यहाँ से आप आई जेड जो है ना आसानी से निकाल सकते हो कि मैक्सिमम कितना करंट आप फ्लो करवा सकते हो अपने डायोड से ताकि हमारा जो डायोड है वो खराब ना हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 40 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है बेसिकली पावर रेटिंग, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के जिन्हें डायोड आते हैं जिनकी जो पावर रेटिंग होती है काफ़ी हाई होती है, वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट पैराम डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से हम जीनर डायोड ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप जीनर डायोड की बात करते हो इस केस में। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो फॉरवर्ड बायस रीजन में जैसे नॉर्मल डायोड काम करता है उसी तरह ये फॉरवर्ड रीजन में ये काम करेगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे। ठीक है, कुछ 0.7 इसका जो ब्रेक ड्रॉपिंग वोल्टेज होता है जिसे हम नी वोल्टेज कहते हैं, इस वोल्टेज के बाद अचानक से आपको करंट फ्लो करने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल डायोड में होता है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं रिवर्स डायरेक्शन में तो आप देख सकते हो यहां पे कुछ लीकेज करंट फ्लो करता रहेगा जब तक आप 5.1 वोल्ट पे आप, अगर मैं बात करता हूं उस जीनर डायोड की, तो 5.1 वोल्ट पे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट जो है ना आपका अचानक से देख सकते हो बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली जीनर डायोड जो कि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी काम करता है, जो कि एक मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उससे ज्यादा आपको वोल्टेज अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा हो गया। ठीक, पावर रेटिंग के बारे में भी आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ जीनर डायोड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख सकते हो मैं इसके ऊपर हावर कर रहा हूँ, तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा ये 5.5 इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, आप किनारे में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जबकि ये मेरा देख सकते हो सिग्नल जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है 6.7 डीसी ऑफसेट है और 1 वोल्ट मैक्सिमम, तो टोटल कितना हो गया 7.7 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिग्नल है 7.7 यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 7.7 सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो रहा है कि ये जो जीनर डायोड है ना यहाँ पे देख सकते हो करंट फ्लो करने लग रहा है, मतलब ये जो हमारा जीना डायोड है ना ये ब्रेकडाउन रीजन में चला गया है। तो ठीक है, यहाँ पे आप वेवफॉर्म भी देख के आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम आउट 5.5 वोल्ट आपको मैक्सिमम आउट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंब कर दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये 5.5 पे ये क्लाइंब कर दे रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना कि मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी ये ब्रेकडाउन चलेगा। ठीक, अगर मैं 5.5 से कम कर देता हूँ, अगर मान लो इसको मैं 4.7 कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जीनर काम करेगा कि नहीं करेगा, उस चीज़ को हम अभी आपको सिमुलेट करके दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे इसके 4.7 मैंने वोल्टेज कर दिया, तो ये मेरा जो जीनर है ना ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, मतलब करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है ना, यहाँ का वोल्टेज हाई है और नीचे ग्राउंड है, तो ये जो है बेसिकली रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो ये हो गया बेसिक सिंपल सा फंडा जिस जीनर डायोड कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ डायोड के सिंबल्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डायोड को पहचानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो पहला डायोड देख रहे हो ये जो बेसिकली होता है इसको बोलते हैं थ्रू होल डायोड। ठीक है, और ये जो होता है मेरे पास ये होता है एसएमडी। ठीक है, एसएमडी का मतलब ये होता है कि ये छोटे छोटे सरफेस माउंट एक्चुअली ये डायोड्स होते हैं जीनर डायोड, और यहाँ जो लाइन बनी होती है ना ये लाइन बेसिकली क्या करती है एन साइड को डिनोट करती है और ये पी साइड का होता है। इसमें जो सिल्वर लाइन बनी है ये एन साइड होता है। ठीक, और ये जो होता है ये ब्लैक वाला
ये पी साइड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में डायोड की वीडियो में बता भी रखा है कि पी साइड क्या होता है, एन साइड क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका सिंबल ये होता है, जो डीनर डायोड होता है इसका सिंबल ये होता है। ये जो होता है इसको पी साइड जो होता है इसको एनोड कहते हैं, और एन साइड जो होता है इसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल, जो हमारे देख सकते हो कि ये जो पीसीबी बोर्ड वगैरह में है बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये जीनर बना हुआ है, ये भी देख सकते हो छोटे छोटे कंपोनेंट से ये जीनर। तो ये बहुत सारे आपको डायोड के सिंबल देखने को मिल जाएंगे, बहुत जगह यूज होते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जीनर डायोड का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई जीनर डायोड है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि जीनर डायोड हमारा जो जीनर डायोड है एक्चुअली सही है या खराब हो चुका है। तो इसके लिए बेसिक सा सिंपल सा फंडा है, जो भी आपका जीनर डायोड है, ठीक है, अपने मल्टीमीटर को क्या करना है कि ये जो आपके प्रोब है ना, इस प्रोब को घुमा के लेके जाओ, जहाँ पे ये पॉइंटर रहता है ना, उस पॉइंटर को घुमा के लेके जाओ आपको जहाँ पे ये डायोड का सिंबल बना होता है। एक चीज दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटा सा है ना, ये डायोड का सिंबल बना हुआ है। तो आपको घुमा के ये वाला जो पॉइंटर है ना, इसको डायोड वाले सिंबल पे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो रेड वाली प्रोब है ना उसको आपको क्या करना है कि पी साइड में आपको लगाना है, और जो ब्लैक वाली प्रोब है एन साइड में लगाना है। इसका एन साइड ये है क्योंकि ये ब्लैक वाली जो आप पट्टी देख सकते हो ना, जिधर भी आपको ये रिंग बनी रहेगी वो एन साइड रहेगा और दूसरा वाला पी साइड रहेगा, ठीक है। जब भी आप ऐसे अटैच करोगे प्रोब को ना, आपको 0.6, 0.7, 0.5 इसका वोल्टेज आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका बेसिकली, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है जब भी आप डायोड पढ़ते हो, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ डेटा शीट में दिया रहता है, 0.5, 0.6, 0.7 ये मेंशन किया जाता है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिस्प्ले अगर हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो जीनर डायोड है वो सही है, जीनर डायोड बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा टेस्टिंग करने का तरीका। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखना है कि आपको जो पॉइंटर है ना, जो मल्टीमीटर का पॉइंटर है, ये हमेशा डायोड को पॉइंट करना चाहिए, डायोड वाले सिंबल पर आपको रखना है, ठीक है। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो आपको लगभग 0.5 से लेके 0.7 के रेंज में मैक्सिमम हम आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज सिंपल सा तरीका हो गया, जब भी आप वोल्टेज डायोड टेस्टिंग की बात करते हो तो टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका होगा, ठीक है। अब मैं कुछ एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के केस में आता है कि भाई साहब इसका जो यूज होता है ना वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। दूसरा जो यूज होता है वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन, मतलब हमारे घरों में क्या होता है कि या छोटे छोटे जब भी हम एसएमपीएस डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 10 वोल्ट बना तो उससे स्पाइक वगैरह आ गई, तो आगे हमने जीनर डायोड लगा रखा है, मान लो 9 वोल्ट का लगा रखा है, 10 वोल्ट का लगा रखा है, तो क्या होता है स्पाइक जो है ना हमारे आगे वाली सर्किट को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अचानक से स्पाइक आ गई, ठीक है। मान लो मेरे पास 5 वोल्ट का जीनर है, ठीक है, 5 वोल्ट का जीनर, यहाँ पे स्पाइक आ गई तो ये अचानक से बन गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जो जीनर इसके आगे लगा रहेगा वो क्या करेगा, ये 5 वोल्ट ही मेंटेन करके रखेगा, समझ में आया आपको। यही होता है बेसिकली वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन या सर्ज प्रोटेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब भी हम जीनर डायोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो गया वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, अगर कंस्टेंट वोल्टेज चाहिए होगा तो उसके लिए आपको ऐसे आप सिंपल सा लोड लगा दो, इसके पैरेलल में आपको कंस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइन रेगुलेशन, रोड रेगुलेशन। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि लाइन रेगुलेशन, रोड रेगुलेशन होता क्या, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और पावर रेटिंग के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि पावर रेटिंग होता क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, अगर आपको अच्छा कुछ नहीं लगा तो उसके बारे में भी कमेंट करना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको ज़रूर से मेंशन करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बजाज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।